इन दिस मॉड्यूल यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन सबसे पहले हम सिस्टम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद नीड ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन को समझेंगे सिस्टम इंटीग्रेशन मींस दैट यू अलाउ हेट्रोजीनियस इंफॉर्मेशन सिस्टम अब हेट्रोजीनियस इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन कौन से विच आर डाइवर्स डिफरेंट एंड वेरिड Which mean, उनकी सिस्टम कन्फिग्रेशन डिफरेंट है डिफरेंट वेंडर्स ने बनाया है उन्हें और डिफरेंट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं टू रन दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तो सिस्टम इंटीग्रेशन मीन्स डेट यू अलाउ द डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू कम्युनिकेट और इंटीग्रेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन सीमलेसली विद वन अनादर अब हर कंपनी के अंदर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज होते हैं

ईआरपी इंफॉर्मेशन सिस्टम डिफरेंट होंगे उनकी कन्फिग्रेशन डिफरेंट होगी जो डेटा वो यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट होगा तो इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू हैव वन एप्लीकेशन दैट कैन एक्सेस ऑल दैट इंफॉर्मेशन तो उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं कि दे नीड टू मेक श्योर के सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड अगर आप पांच इंफॉर्मेशन सिस्टम डिफरेंट कंपनीज को यूज कर रहे हैं तो एक एप्लीकेशन डेवलप की जाएगी या एक से ज्यादा ताकि उस इंफॉर्मेशन सिस्टम से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके डिसीजन मेकिंग की जाए सिस्टम इंटीग्रेशन इज की इशू फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स ग्रोथ इस वजह से कि जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो डेटा जनरेट हो रहा है उसकी बेसिस पे आपने डिसीजन मेकिंग करनी है जो सेल्स एंड मार्केटिंग में जो डेटा जनरेट हो रहा है उसकी जरूरत अकाउंटिंग वालों डिपार्टमेंट को हो सकती है एंड वाइस वर्सा तो अगर आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इट विल बी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड यूज इट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज बाय डिफरेंट कंपनी तो इसी वजह से कंपनीज क्या करती हैं कि एक ईआरपी सिस्टम कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस कराती हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंटल यूनिट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है उसको कॉमन डेटा प्लेस पे स्टोर करेगी और वहीं से उसको एक्सट्रैक्ट करके बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकती है मैनेजमेंट नीड्स टू प्ले क्लोज अटेंशन टू दिस इश्यू बिकॉज अगर इंफॉर्मेशन टाइमली आपको नहीं मिलती अप टू डेट नहीं मिलती डुप्लीकेट है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है तो डेफिनेटली डेली मंथली और ईयरली बेसिस पे जो डिसीजन मेकिंग होनी है उसमें मुश्किल हो जाएगी ईआरपी सिस्टम्स मेजर काइंड ऑफ एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम अलाउिंग ऑर्गेनाइजेशन टू इंटीग्रेट डिफरेंट सिस्टम तो ई आर पी इज वन काइंड ऑफ एन एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां पे सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंटल यूनिट एक कॉमन डेटा प्लेस पे स्टोर होगी एंड इट इज यूज ऑर्गेनाइजेशन वाइड एप्लीकेशन विद एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो सारी इंफॉर्मेशन एक कॉमन डेटा प्लेस पे यूज होगी और एक ही एप्लीकेशन यूज होगी उस सारे डेटा को और इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जब एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है और वहीं से रिपोर्टिंग पर्पज के लिए एक्सट्रैक्ट हो रही है तो डेफिनेटली उस कंसिस्टेंट भी होगी अप टू डेट भी होगी और लाइव आपको पता लगेगा कि हमारी कंपनी में क्या हो रहा है अब वाई सिस्टम इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड

अवेलेबल नहीं है बाकी इंफॉर्मेशन सिस्टम में तो डेफिनेटली दे आर वर्किंग इन आइसोलेशन साइलोज आर कंपार्टमेंटलाइज ऑपरेटिंग यूनिट आइसोलेटेड फ्रॉम देयर एनवायरमेंट तो हर कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट फंक्शन है और जब वहां पे जो डेटा जनरेट होगा और डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद हैं तो वो डेटा वहीं पर रहेगा बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंटल यूनिट्स को नहीं मिल पाएगा तो ईआरपी सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करते हैं कंपनी में ताकि एक ही जगह पे डेटा स्टोर हो वहीं से एक्सेस हो वहीं से सारे यूजर्स को उसकी एक्सेस मिले एक ही एप्लीकेशन यूज करें और जो जितना डेटा जनरेट हो रहा है उसकी बेस पे डेली मंथली और ईयरली डिसीजन मेकिंग कर सके